दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली पर इस बार भी पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक। यूपी में बारिश ने मचाई तबाही, राजधानी जलमग्न, आसपास के जिलों में भी हाल बेहाल। बेंगलुरु में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ने वापस ली हड़ताल, परिवहन मंत्री ने 30 में से 27 मांगों पर दी सहमति। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुआ भारत पाकिस्तान मुकाबला, मैच पूरा होने की उम्मीद बरकरार। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने G20 के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध, तिरुपति में TDP वर्कर्स का प्रदर्शन। एयर इंडिया ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए शुरू किया प्रोजेक्ट अभिनंदन। बाजार में बंपर खरीदारी, निफ्टी पहली बार 20,000 के पार, सेंसेक्स 528 अंक उछलकर 67,127 पर पहुंचा। नोवाक जोकोविच ने 2023 US ओपन फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। 500 करोड़ क्लब में शामिल हुई जवान, शाहरुख ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड।